तो हाय गाइस, TCS की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड दिस इज़ फॉर द TCS VPS 2024 बैच और ये होने वाला है सिर्फ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। एंड अगर आप बीटेक वाले हैं तो आप TCS फ्री NQT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड होकर 25th अप्रैल हो चुकी है, तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज वीडियो। अगर आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, यानी कि TCS की तरफ से जो VPS की रिक्रूटमेंट है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024 बैच के लिए। एंड इसमें पूरी डिटेल्स देखेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो पूरा A to Z हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वॉच इट टिल दी एंड। सो TCS VPS की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है एंड द सैलरी हियर यू कैन एक्सपेक्ट इज इन बिटवीन 2.5 to 3.6 एंड द जॉब लोकेशन इज गोइंग टू बी अक्रॉस इंडिया। सो इसमें फ्रेशर्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं और जो बैच इसमें अप्लाई कर सकता है वो है ओनली 2024 बैच, यानी दिस इज ओनली फॉर द 2024 बैच। अगर आप बिलो बैचेज हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। ओके, सो द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 26th अप्रैल 2024। ओके, सो करीबन 10 डेज बचे हुए हैं, सो आप जल्दी से इसमें अप्लाई कर लेना। एंड द टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th जून 2024। सो 4 जून से जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास करीबन 1 मंथ है टू प्रिपेयर फॉर द TCS VPS। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, सो हम देखेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम का कैसा पैटर्न रहने वाला है। ओके, सो डो नॉट स्किप। ओके, सो लेट्स सी हु कैन अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। सो बेसिकली इट्स फॉर द साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। बेसिकली इफ यू हैव अ फुल टाइम ग्रेजुएट BCom, BA, BAF, BBI, BBA, BBM, BMS और BSc, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, सो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज क्राइटेरिया, सो यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो अब 50% होनी चाहिए एंड दे हैव गिवन द लीवरेज टू द साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट। यू हैव द अब 50% तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। एंड इफ यू हैव द करियर गैप इन बिटवीन योर 12th एंड द ग्रेजुएशन, तो 2 ईयर ऑफ करियर गैप इज अलाउड, दैट इज 24 मंथ ऑफ करियर गैप इज अलाउड इन बिटवीन योर ग्रेजुएशन एंड 12th। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी कोई बैकलॉग है तो आपको क्लियर करना होगा बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू और गिविंग द एग्जाम ऑफ द TCS। सो यू शुड हैव टू क्लियर योर बैकलॉग्स और 1 बैकलॉग इज अलाउड टिल द एग्जामिनेशन। ओके, एंड जैसे आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और आपका अगर TCS में सिलेक्शन हो जाता है, देन यू शुड हैव टू क्लियर योर बैकलॉग्स बिफोर गेटिंग द ऑनबोर्डिंग। ओके, सो दे हैव ऑल्सो मेंशन द कोर्स टाइप। अगर कोर्स टाइप यानी फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग की हुई है ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी जो ग्रेजुएशन है वो फुल टाइम ही एलिजिबल होगा। ओके, एंड द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज यू शुड बी अबव 18 ईयर्स, सो दैट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। सो बेसिकली जो यहाँ पे आपका टेस्ट रहने वाला है वो 50 नंबर्स का होगा, यानी 50 मार्क्स का होगा एंड 50 मिनट्स का होगा। दिस विल कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल, वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड देर विल बी अ क्वान्टिटिव एज वेल एज एंड सम ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशंस, यानी दिस इज गोइंग टू बी एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू वरी और यू डोंट हैव टू बी थिंक मोर अबाउट दैट। सो आप अगर एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड indiabigs.com, तो TCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दी IT कंपनी। सो यू हैव 1 मंथ, सो जस्ट प्रैक्टिस दी एप्टीट्यूड एज मच एज यू कैन, बिकॉज अगर आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया, दी चांसेज ऑफ गेटिंग इन टू दी TCS इज वेरी हाई एंड द इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी ईजी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज यू आर फ्रॉम द साइंस, कॉमर्स और द आर्ट बैकग्राउंड, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी टफ। एंड वी हैव ऑलरेडी शेयर द इंटरव्यू क्वेश्चंस इन आवर वेबसाइट, हियर यू कैन सी द इंटरव्यू क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू दी IT कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, TCS। ओके, सो ऑल दी IT कंपनीज के जो भी प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैंडिडेट से, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि शेयर किए गए हैं द स्टूडेंट और द कैंडिडेट हु गॉट प्लेस थ्रू आवर अपडेट्स एंड दे हैव शेयर्ड अस दीज क्वेश्चंस, सो आप यहाँ से इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल प्रोसेस, सो चलिए देख लेते हैं कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन, आप वहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे ही आप दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, सो यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल प्रिस्क्राइब मैनर में मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी नेम, पोस्ट नेम, किस बैच के लिए हायर कर रही है, लास्ट डेट कब है, ओके, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, तो आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं। एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन, हियर यू विल गेट अप्लाई लिंक्स। एंड अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं जॉब के लिए, तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी,
इफ़ यू डोंट हैव अ टेलीग्राम सो यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल। सो जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। सो वहाँ पे हम डेली 5 to 10 पोस्ट जॉब पोस्ट अपडेट करते हैं, तो हम वहाँ से इजिली बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी, जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई। So you will be redirected to the official page. Here you can see tcs.bps. Okay, so this is how you need to apply for the application. जो भी हम post करते हैं, जो भी updates देते हैं, तो this is the process of how you can apply for the applications. So यहाँ पे आपको details मिल जाएंगी. So जो last date है 26th अप्रैल है and the test date will be 4th June 2024. So आपको पहले register here पे क्लिक कर लेना है. Now here just click on register now. सो यहाँ पे आपको TCS BPS पे क्लिक कर लेना है। नाउ हियर फर्स्ट यू नीड टू फिल आउट योर मेल आईडी। यहाँ पे आपको मेल आईडी डाल लेनी है, देन जस्ट क्लिक ऑन गेट ओटीपी। यू विल रिसीव द ओटीपी इन योर मेल आईडी। आपको ओटीपी फिल करके देन यू नीड टू प्रोसीड फर्दर। वंस यू फिल आउट योर ओटीपी, यहाँ पे आपको लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर डाल देना है एंड हियर राइट योर नेम, योर मिडिल नेम और सर नेम। यहाँ पे अपने आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एंड जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री एंड जस्ट क्लिक ऑन प्रोसीड। सो नाउ फर्स्ट यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर लेना। Now here select your gender, write your phone number, your institute name, that is your college name. अगर college name आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो just select other. Qualification, यहाँ पे आप अपना qualification select कर सकते हैं and your highest and your passing year, यहाँ पे आप 2024 select कर लीजिए. Source type, web, okay, यहाँ पे आप source name भी लिख सकते हैं, otherwise leave as it is. नियरेस्ट, ओके, सो यहाँ पे नियरेस्ट TCS ऑफिस, यहाँ से आपको नियरेस्ट TCS ऑफिस जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे TCS ऑफिस बैंगलोर, दिल्ली, जो भी आपकी जो नियरेस्ट TCS ऑफिस है टू गेट द एग्जामिनेशन। क्योंकि जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसका वो होगा ऑफलाइन, सो जो भी आपके नियरेस्ट TCS ऑफिस होगा वहाँ पे ही आपका एग्जाम होगा। सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड जस्ट फिल आउट दिस कैप्चा एंड क्लिक ऑन सबमिट। सो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबमिट करोगे, आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगी जो कि आपके मेल आईडी पे भी आ जाएगी। सो यू नीड टू कॉपी दैट रेफरेंस आईडी टू लॉग इन इन द TCS पोर्टल। ओके, सो लेट्स लॉग इन इनटू TCS पोर्टल एंड अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन, जो कि आगे का प्रोसेस है। ओके, सो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, आपको देन लॉग इन कर लेना है एंड वंस यू लॉग इन तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देन हियर यू विल बी सीइंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंपस, कम्यून, ट्रैक माई एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई। सो यहाँ पे आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है TCS BPS का। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपके 4 स्टेप्स फॉलो करना है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल डिटेल्स। सो यहाँ पे आपको स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेनी है, लाइक योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल लेना है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, सो TCS BPS और TCS फ्री NQT का जो हमने फॉर्म फिल किया था वो सेम होने वाला है, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको डिटेल में देखना है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप TCS फ्री NQT वाला भी वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगा। एंड अगर आप BE BTEC वाले हैं तो आप फ्री NQT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो उसमें मैं फटाफट बता देता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। सम टाइम इट विल हैपन कि आपको एरर देखने को भी मिले, तो आपको क्या कर लेना, गो बैक चले जाना है एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन। सो लॉग इन पर क्लिक करके आपको जो रेफरेंस आईडी जो जनरेट हुई थी आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको कैप्चा डाल लेना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ अगेन क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर स्टार्ट करके सेव एंड कंटिन्यू। तो द नेक्स्ट वन इज एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। सो यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल की डिटेल्स डाल लेनी है, अपने कॉलेज की डिटेल्स डाल लेनी है, दैट इज योर कॉलेज नेम, परसेंटेज और योर पासिंग ईयर। यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स डाल लेनी है, योर स्कूल नेम, योर परसेंटेज एंड वर्क एक्सपीरियंस। इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस तो आप फिल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर लेना है एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद है अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो भी आपको आती है वो डाल लेनी है एंड नेक्स्ट एंड सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज लीव एज इट इज़। यहाँ पे अपलोड फोटो और CV, यहाँ पे आपको अपनी फोटो और CV अपलोड कर लेनी है। लाइक हियर यू नीड फर्स्ट यू नीड टू राइट योर नेम। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पे आपको अपनी CV सेलेक्ट कर लेनी है। एंड रिमेंबर जो मैक्सिमम साइज है CV जो फाइल का साइज होना चाहिए वो 500 KB तक होना चाहिए। अगर आपका 500 KB से ऊपर है तो ये अपलोड नहीं होगा, सो मेक श्योर टू चेक दी साइज ऑफ दी फाइल। लास्ट वन इज द एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि वेदर ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाई इज करेक्ट और नॉट। सो हाउ यू कैन डू दैट, जस्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। सो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी हुई है।
नाउ यू हैव टू चेक कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी हुई है दैट आर करेक्ट और नॉट. इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक जस्ट गो बैक एंड करेक्ट इट एंड वंस यू डन विद दैट एंड जस्ट क्लिक ऑन यस आई एग्री एंड जस्ट फिल आउट योर डेट एंड प्लेस एंड क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन. सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है देन यू नीड टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. अदरवाइज आपको टीचर्स की तरफ से कोई भी मेल या कोई भी टेस्ट मेल नहीं आएगा. सो मेक श्योर टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म इन द करेक्ट मैनर इन करेक्ट वे. जो भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई हैं आपको उसी वे में फॉलो करना है. यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि आपको कैसे फिल करना है. अगर आपको डिटेल में देखना है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है तो आप मेरा TCS फ्री NQT वाला वीडियो देख सकते हैं. मैंने वहाँ पर पूरे डिटेल में A to Z समझाया है कि आपको कैसे फिल करना है. ओके सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. एंड टेस्ट के लिए आपको एक मंथ दिया गया है तो यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द टेस्ट. सो इसमें आपका एप्टीट्यूड रहेगा. तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि indiabigs.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इंटरव्यू के लिए आप हमारी वेबसाइट jobprofessors.co.in पे जाके वहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं. जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वहाँ पे आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके एंड यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज वाइल फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म और इफ यू हैड एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर मोस्ट ऑफ वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय.